जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद पर हुए हमले की कोशिश के बावजूद एक चुनावी सभा को संबोधित करने चीबा शहर पहुंच गए। एक दिन पहले उन पर हमले की कोशिश उस वक्त की गई थी जब वो उपचुनाव के लिए प्रचार करने वाकियामा शहर पहुंचे थे, जहां किसी ने उन पर स्मोक बम फेंक दिया। लेकिन इससे पहले वो बम जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तक पहुंचता, उनकी सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत इस बम को बीच रास्ते में ही रोक दिया और फूमियो किशिदा के पास पहुंच गया। उस सुरक्षा कर्मी ने इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया, जो संसद के निचले सदन की कुछ सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए वहां पहुंचे थे। यानी अगर उनके बॉडीगार्ड ने ऐन वक्त पर ऐसा ना किया होता तो जापान के पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। शिंजो आबे पर पिछले साल बम फेंका गया था जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और ऐसे में जब वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री पर स्मोक बम फेंकने की कोशिश की गई तो सुरक्षा अधिकारी एक्शन में आ गए। बाद में उन्होंने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अगले ही दिन फूमियो किशिदा एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने चीबा शहर में प्रचार का जिम्मा संभाला। जापान में इसी 23 अप्रैल को संसद के निचले सदन की कई सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां कुत्तों के हमले ने एक शख्स की जान ले ली। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें पार्क में घूम रहे एक आदमी पर 10 से 12 कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। देखते ही देखते आदमी नीचे गिर गया। आदमी ने अपने आप को कुत्ते से बचाने की कोशिश की, लेकिन खूंखार कुत्तों ने उसे काट कर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय आदमी अकेला था, उसके आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर पाता। जब थोड़ी देर बाद लोगों ने खून से लथपथ हालत में पड़े आदमी को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद कैंपस में सनसनी फैल गई। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन पर शिकायत करने के बाद भी कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। वो ना तो बेटे के जनाजे में शामिल हुई, ना ही पति और देवर की मौत की खबर मिलने के बाद सामने आई। उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। अतीक की सल्तनत संभालेगी शाइस्ता परवीन। कहां छिपी है वांटेड गॉडमदर? पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या कर दी गई, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। ना मौत की खबर सुनकर सामने आई, ना जनाजे में शामिल हो सकी। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन शाइस्ता अपने लाडले बेटे का आखिरी वक्त में चेहरा तक नहीं देख पाई। तो क्या शाइस्ता के दिमाग में कुछ खूंखार प्लानिंग चल रही है, या गिरफ्तार होने के डर से बच रही है? जबकि शाइस्ता परवीन खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है, लेकिन वो लगातार पुलिस को पेशेवर अपराधी की तरह चकमा दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाइस्ता के अपराध से जुड़े कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, जबकि एक बेटे असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। दो बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद है। दो नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद है।